आपको सांप से डर लगता है, रात को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और शैतान से लड़ने के लिए आपको कोई साथी की जरूरत है, आज हम वैसे ही एक महान संत के बारे में हम जानेंगे। वही है संत जॉर्ज। संत जॉर्ज बहुत सारे देशों के संरक्षक माने जाते हैं, जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल और भी बहुत सारे देश, और बहुत सारे शहर उनके नाम से हैं। हमारे भारत देश में भी दिल्ली, चेन्नई और अन्य बड़े बड़े शहरों में इनके नाम से बहुत सारे जगह या बिल्डिंग या ऑफिस हम इनके नाम से देख सकते हैं। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। संत जॉर्ज का जन्म 280 में कपड़ोचिया, आज के तुर्की देश में हुआ था। एक साधारण क्रिस्तीय परिवार से थे। उनके माता पिता दृढ़ क्रिस्तीय विश्वासी थे और उस विश्वास में अपने बेटे को भी वे बढ़ाए, उन्हें शिक्षा दिए। और संत जॉर्ज अपने क्रिस्तीय विश्वास को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे और उसी रीति में जीते थे। और इनका परिवार कपड़ोचिया से अपने आगे की जीवन के लिए, यानी उनके पिताजी और ये सब मिलकर प्रभु येसु के जन्म स्थान के आसपास रहना चाहे, इसलिए वे पैलेस्टाइन गए। वहां जाकर रोम सम्राट, असली में जैसे प्रभु येसु के समय से हम देखते हैं, उसके पहले भी रोम सम्राट सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था या सम्राट हुआ करता था उस समय में। तो संत जॉर्ज के समय में भी रोम सम्राट का ही अधिकार पूरी दुनिया में चल रहा था। तो संत जॉर्ज पैलेस्टाइन जाने के बाद, बड़े होने के बाद, वे चाहे कि वे एक सैनिक बने। उस समय डायोक्लेशियन सम्राट था, उनकी सेना में ये जाके सदस्य बने थे, तो एक सैनिक बन गए। लेकिन जब सबको पता चला कि ये एक क्रिस्तीय है, वास्तव में उस समय प्रताड़ना नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे 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 इनको दरकिनार करने लगे। और डायोक्लेशियन जब देखे कि ये क्रिस्तीय लोग उनके लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि विशेष रूप से जो मूर्ति बनाकर ये सम्राट रखा करते थे स्वयं का और उनके देवी देवताओं का, उनके सामने दंडवत करना और उनके लिए बलि चढ़ाना एक आदेश था, राजा का आदेश, सम्राट का आदेश, उसको नहीं मानने से वो मृत्यु दंड देता था। तो संत जॉर्ज को भी, जो एक सैनिक थे, उसके सामने आकर दंडवत करने का, मूर्ति के सामने दंडवत कर बलि चढ़ाने का आदेश दिया गया, संत जॉर्ज मानने से इनकार किए और इसलिए उनका सिर कलम कर दिया गया, वे मारे गए। और जहां ये मारे गए थे, लिड्डा नाम से एक जगह पर, वहीं पर इसराइल में है आज, वहां पर उसी जगह पर एक विशाल चर्च वहां आज खड़ा है। लेकिन इस संत को क्यों हमें जानना है, इनके जीवन से घटित एक विशेष घटना पर हम मनन करके हमारे जीवन के लिए भी हम कुछ सीखेंगे। संत जॉर्ज के जीवन से जुड़ी बहुत कम जानकारी हमें मिलती है, उनमें से एक विशेष जानकारी यह है। जैसे आप यहां संत जॉर्ज का फोटो देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि वे एक घोड़े पर हैं और हाथ में एक भाला है और नीचे जमीन पर एक ड्रैगन पड़ा हुआ है। इसके पीछे की घटना क्या है? यह ड्रैगन रहता था सिलेम करके एक शहर में। उस शहर में यह जहां एक तालाब में रहा करता था, उस तालाब में रहकर वो तालाब से जो पानी जाता था, उस पानी को वो रोक देता था। तो शहर के लोगों की जिम्मेदारी थी, वे हर दिन उसको जानवर खिलाए, ये घोड़े होते हैं, गाय बैल होते हैं, बकरे होते हैं, कुछ भी। और महीने में एक दिन उसको एक नव युवक या नव युवती या बच्चे चाहिए थे, बुजुर्ग नहीं। तो ये सिलसिला चलता रहा। और इन व्यक्तियों का चुनाव कैसे होता था, उसको एक चीट डालते थे सभी लोगों का नाम लिखकर, युवक युवतियों का, और उसमें से चीट निकालकर उसमें जो भी नाम आता था उनको भेज देते थे। और इनमें राजा का, उस शहर का जो राजा था, उसकी बेटी का भी नाम लिखा होना अनिवार्य था। और इस राजकुमारी से वहां के लोग बहुत प्यार करते थे। संत जॉर्ज एक दिन इस शहर आ रहे थे अपने घोड़े पर बैठकर, और अपने हाथ में उनका भाला भी था। तो जब ये शहर के अंदर आए, वहां देखे एक सुंदर सी लड़की बैठकर रो रही है और लोग भी दूर में खड़े होकर रो रहे हैं। संत जॉर्ज उनसे पूछे, हुआ क्या, क्यों रो रहे हैं आप लोग? तो वे इस ड्रैगन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और ये ड्रैगन
जैसे आप लोग मूवीज में देखे होंगे या सुने होंगे, ये आग उगलता है। लेकिन ये जो ड्रैगन वहां रहा करता था, ये आग नहीं बल्कि उसके मुख से आग के साथ साथ विष और उसमें से एक प्रकार का केमिकल निकलता था जो पूरे जमीन को नष्ट कर दिया। इसलिए वहां के लोग बहुत डरते थे, जीना मुश्किल था। तो उस दिन की पारी इस राजकुमारी की थी, इसलिए लोग राजकुमारी को जाने नहीं देना चाह रहे थे और राजकुमारी वहां बैठकर रो रही थी। ड्रैगन तैयार था तो संत जॉर्ज बोले, चले मैं भी चलूंगा साथ में। लोग बोले, नहीं, बाहर से कोई यहां हमारे शहर में आता है तो वो ड्रैगन को और पसंद नहीं है, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए आप प्लीज मत जाइए, आप यहां हमारे शहर को छोड़कर चले जाइए। संत जॉर्ज मानते नहीं, बोलते मुझे एक मौका दो, मैं प्रभु येसु के नाम पर यहां आया हूं। जैसे वो बालक दाऊद गोलियात को मारने के लिए गया, उसी विश्वास के साथ संत जॉर्ज वहां खड़े थे। वे बोले कि मैं अपनी शक्ति से वहां नहीं जा रहा हूं, मैं ईश्वर की शक्ति से जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम पर मैं जाऊंगा, आप लोग मुझे एक अवसर दीजिए। तो लोग मान लिए, लोग दूर में रहे। संत जॉर्ज उस राजकुमारी को लेकर तालाब के पास गए जहां पर वो ड्रैगन रहा करता था और संत जॉर्ज चिल्लाए, ए ड्रैगन बाहर निकला, आज तुम जिसको खाना चाहते हो, आज जिसकी पारी है, मैं उसको लाया हूं। ड्रैगन जैसे बाहर निकलकर देखा वो ज्यादा क्रोधित हो गया, लेकिन जरूर उस लड़की को देखा, उसको भी मालूम था कि आज इसी की पारी थी। तो संत जॉर्ज क्या किए, उस ड्रैगन के ऊपर क्रूस का चिन्ह बनाए और हाथ में जो भाला रखे थे उसको उसके मुंह पर घुसा दिए और उसको मार डाला, जैसे हम यहां चित्र में देखे। ये संत जॉर्ज अपनी शक्ति से नहीं किए, जैसे दाऊद बालक उस गोलियात को मार गिराया था ईश्वर के नाम पर, यहां संत जॉर्ज ईश्वर के नाम पर, त्रिएक ईश्वर के नाम पर, वो क्रूस का चिन्ह का अर्थ वही है, उसको मार डाले और लोग विश्वास नहीं कर पाए। अरे ड्रैगन वास्तव में पूर्ण रूप से मरता नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति यहां खत्म हो गई, ये अन्य एक जानवर के समान ही रह सकता था। तो लोग संत जॉर्ज के चरणों में गिरे, वे कहे कि आप इस शक्ति के बारे में, इस नाम के बारे में भी हमें भी शिक्षा दीजिए। तो संत जॉर्ज उनके साथी जो थियोडोर नाम का उनका साथी थे, वे दोनों शहर के अंदर गए और वहां का राजा और लोग सब मिलकर इनको राजा बनाना चाह रहे थे। वे बोले, नहीं, हमारे एक ही राजा है, स्वयं यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे। तो लोग उसी दिन प्रभु यीशु के बारे में शिक्षा प्राप्त किए, सभी को ही विश्वास किए और वे सब क्रिस्तीय विश्वास को अपनाए, सबों को बपतिस्मा दिया गया। संत जॉर्ज उन्हें एक शिक्षा दी इस घटना के द्वारा, वे कहे उस ड्रैगन की शक्ति उसमें नहीं थी, आप लोगों में, आप लोग जो अधिकार उसको दिए, आप लोग सोचे कि हमें कोई शक्ति नहीं है, तो आप लोग अपनी शक्ति उस ड्रैगन को दे दिए, आप लोगों का डर उसकी शक्ति बन गई, आप लोगों का डर, इसलिए आप लोगों को इस डर में रहना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को भी हरा दिए हैं, इसलिए आपको मृत्यु से भी डरना नहीं है। इसलिए संत जॉर्ज के फोटोज आप अपने घरों में रख सकते हैं, हमारे घरों में, साउथ में हम जाएंगे तो घरों के बाहर विशेष रूप से रखा जाता है, जहां एक विश्वास है कि शैतान और जो सांप और अन्य ये सब जीव जंतु हैं, उससे बचाने का अधिकार ईश्वर संत जॉर्ज को दिए है। हमारे जीवन के लिए एक शिक्षा इस महान संत से, ये छोटे ही उम्र में मर गए थे, प्रभु येसु के लिए अपने आप को बलि चढ़ाई, लेकिन इस ड्रैगन की घटना के माध्यम से वे हमें एक महान शिक्षा देते हैं, वो है हमें अपना अधिकार, ईश्वर जो अधिकार हमें दिए हैं उस अधिकार को कभी भी शैतान को नहीं देना, कभी भी डरना नहीं। जब हम डर जाते हैं सामने वाला शक्तिशाली बन जाता है, विशेष रूप से शैतान, जब हम शैतान से डरने लगते हैं वो शक्तिशाली बन जाता है। हमें शैतान से लड़ना नहीं, शैतान से कभी हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हमें दृढ़ विश्वास से प्रभु येसु शैतान को हरा चुके हैं, वो नष्ट कर दिया गया है, लेकिन वो हमें अपना प्रलोभन का प्रयोग करता है, वो हमें पूर्ण रूप से मारने की कोशिश कभी नहीं करता, वो हमें अंदर से हमारी आत्मा को मार के हमें अपनाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। हमें इसमें से बचना बहुत जरूरी है, उसके लिए
हमें दृढ़ विश्वास की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, जो संत जॉर्ज हमें सिखाते हैं। आइए हम भी संत जॉर्ज के पद चिन्हों पर चलें, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करें। हम इस दुनियाई लोगों के सेवक या सैनिक नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सैनिक बने, जैसे संत जॉर्ज कहे थे। ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष रूप से संत जॉर्ज के द्वारा आशीष प्रदान करें। जय श्री।